जापान में आपको ना वेंडिंग मशीन हर जगह मिलेंगे, हर जगह। इसको बोलते हैं साका पास, टू डेज पास है, पर सभी सबवे लाइन पे नहीं चलता, कुछ लाइनों पे चलता है, कुछ पे नहीं चलता। कैसल को जा रहे हैं तो देखो कैसल का बना हुआ है। ड्रोन मत लेके आना, लेके आओ तो उड़ाना मत, जो यहाँ लिखा हुआ है नो ड्रोन जोन। वो ऐसे थे वॉरियर, जापानीज वॉरियर ऐसे थे। देखिए कैसल, गुड मॉर्निंग जी सभी को ओसाका से। ये हमारा ओसाका में डे 3 और आज हम जा रहे हैं ओसाका कैसल, और उसके बाद जाएंगे नाम्बा और फिर हम जाएंगे क्योतो। तो हमारा होटल बुक है क्योतो में और आज की स्टे होगी रात की क्योतो में। तो मिलते हैं थोड़ी देर में ओसाका कैसल में। मैडम जॉली रेडी हो गई है। तो ऐसा था ये हमारा रूम यहाँ पे, ठीक है। रूम बहुत अच्छा था, नीट एंड क्लीन। तो हम अभी जा रहे हैं चेकआउट के लिए। गुड मॉर्निंग मैडम। साफ सफाई चल रही है यहाँ पे, मोस्टली ना इंडियन लोग काम करते हैं होटलों में, जो रूम सर्विस वाले ना इंडियन। तो ये था ये हमारा होटल फोर्जा। अभी हम जा रहे हैं कैसल की तरफ। चाहे होटल हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे गली का कोना हो, वहाँ पे आपको जैसे ये वाली ना, ये सारी आइस टी ये वो है, ठीक है। ये आइसक्रीम वाली भी है, देखो आइसक्रीम 170 200 येन की आइसक्रीम है, ऑलमोस्ट 100 रुपए की। साथ में गार्बेज वाला भी होता है, ये कूड़ा मत फैलाओ। ये वैसे लॉसन वालों ने लगाया हुआ है, ओसाका सबवे लॉसन वेंडिंग कॉर्नर। यहाँ का सबवे का देखो कितना साफ है, साफ सुथरा ही। ये जो पास है ना लिया हमने, ये पास सभी लाइन पे नहीं चलता, इसको बोलते हैं ओसाका पास, टू डेज पास है, पर सभी सबवे लाइन पे नहीं चलता, कुछ लाइनों पे चलता है, कुछ पे नहीं चलता। कैसल को जा रहे हैं तो देखो कैसल का बना हुआ है। डर दिखाले ये जी, किसी यूनिवर्सिटी का कैंपस है क्योंकि सारे यहाँ पे मेरे को स्टूडेंट दिख रहे हैं। तो हाँ लिखा हुआ है, ऊपर दिखाता हूँ, ओतेमाई यूनिवर्सिटी है। ओतेमाई यूनिवर्सिटी, ये ओतेमाई यूनिवर्सिटी। यहाँ से होती कैसल की एंट्री। We'll be right back.
जैसे इंडिया में ना कैसल के इर्द गिर्द, पूरे कैसल के चार चुफेरे में, चार दीवारी के पास कनाल होती है या कोई रिवर बनाया होता है ना, वैसे ही है। इन्होंने भी काफ़ी बड़ा रिवर बनाया हुआ है, तो ताँ जो कोई दुश्मन जो है ना अंदर ना जा सके, उसको आने के लिए पहले तैरना पड़ेगा। और इस पानी में मगरमच्छ ये वो छोड़ देते थे वो, तो जो आए वो मगरमच्छ की भेंट हो जाए। तो इसलिए ऑलमोस्ट सभी कैसल ऐसे बनाए जाते थे पहले। कैमरी जैसी गाड़ियाँ ना टैक्सी हैं। यहाँ पे कैसल से एंटर होने से पहले ना लाओसन है, जैसे 7-Eleven है वैसे, तो यहाँ से आप पानी वगैरह ले सकते हो, क्योंकि गर्मियों के दिनों में तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ से एंट्री है, मेन एंट्री यहाँ से है कैसल की, तो यहाँ से पानी लेना है, जूस लेना है ले सकते हो, कॉफ़ी लेनी है, कुछ भी। ये बड़ी सी ग्राउंड है, इसके सामने पार्क है। गर्मी है भाई, गर्मी यहाँ पे, गर्मी आए, गर्मी आ जाओ। तो यहाँ से शुरू होती है एंट्री कैसल की, जापानीज कैसल, ओसाका का मेन कैसल है ये, बहुत बड़ा है। तो ये है जी साका के कैसल, गर्मी बहुत है यहाँ पे, और मैडम को ज़्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि ये गर्मी की आदत नहीं है इसको। देख ऐसे मुंह पे मुंह साफ हो रहा है। तो ये मेन एंट्री कैसल की, ठीक है। तो ये है जी एंट्री, एंट्री पॉइंट है यहाँ से। ये थोड़ी छोटी सी जैसे बोलते हैं ना प्रजा के लिए बैठने के लिए बना हुआ है, और यहाँ से अंदर एंट्री है। बहुत बड़ा कैसल है जी, टाइम बहुत लगेगा इसको। देखो लोहे के गेट हैं, लकड़ी के नहीं हैं, लोहे के हैं, सॉलिड सॉलिड जो उसको बोलते हैं ना वो वाला लोहा है। हिंचस देखो इसके, हिंचस देखो कितने 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 मोटे हैं ये, कम से कम 3 इंच मोटा है ये लोहा। और क्या गेट है, जैसे उस टाइम हाथी घोड़े होते थे ना लोगों के पास, हाथी बड़े बड़े हाथी ऊंट उसके लिए है ये। और यहाँ से कौन सा इन्होंने बस लेके जानी थी, पर इन्होंने फ्यूचर प्लान करके बनाया कि आगे जाके बस भी आएगी तो उसके हिसाब से गेट रखेंगे। ये देखा आपने गेट का कितनी मोटाई, कितनी सी गेट की हरियाली बहुत है यार। अपने जो कैसल्स होते हैं ना उनमें इतनी हरियाली नहीं होती। मैं जयपुर भी गया हूँ, या इवन ताजमहल गया हूँ, ताजमहल में भी इतनी हरियाली नहीं है। कंपेयर तो नहीं करना चाहिए, मौसम का हिसाब होता है अपना, पर यहाँ पे भी गर्मी है अभी। ये काट भी है, इसमें बैठ के जा सकते हैं, पर मैंने जाना नहीं, हमने पैदल चलना। तो जी अगर आपके पास पास है तो आपको एंट्री फ्री है, चाहे ओसाका पास हो, अमेजिंग पास, या फिर 2 डेज पास हो, उसमें आपको फ्री है। नहीं तो आपके लग जाएंगे ऑलमोस्ट 2000 जन से ऊपर लगेगा एक जने का। तो 3600 का सारा पास है, एक 2 दिन का वो भी, उसमें कितनी अट्रैक्शन फ्री थी, ठीक है, वो सब भी उसमें फ्री है। सब्बे खाने वाला नहीं, सब्बे ट्रेन जो है। तो ये है जी ओसाका जो मेन टावर, यहाँ से एंट्री है जी। इसमें आप जा सकते हो, आंटी बैठी है, इंडियन मालूम नहीं कहाँ से है। मेरे
और फिर छोड़ रहा हूँ। चल इंडियंस आए यहाँ। इस वाली बाउंड्री वॉल में वाटर नहीं है, कुछ और ही है। हो सकता है वाटर हो नीचे, ऊपर खाली प्लांट बने हुए हैं। नो द स्टोन, द स्टोन दे यूज इन पिरामिड्स ऑफ कोर्स। एयरप्लेन का क्या करूं? बस कर आंटी चिका मरी जानी, कोरोना कटी जानी। ही लुक लाइक ना बॉब मार्ले। पानी पीना तो पी लो सकते हैं। अच्छा आई थॉट इट्स फॉर ड्रिंकिंग। एस होली वाटर, तो वहाँ पे ही लिखा है नो ड्रोन जोन है। तुम ही रेड हो गई मैडम, देख सकते अपने फ्रेंड्स। यू ऑल्सो गेट रेड ऑन, यू सी शो मी योर फेस। ओ दिस इज हाउ मैडम ज्वाली। ड्रोन मत लेके आना, अगर लेके आओ तो उड़ाना मत। जो यहाँ लिखा हुआ है नो ड्रोन जोन, और यहाँ पे फाइन नहीं लगाते, सजा देते हैं बड़े वाली। तो सामने भी कैसल है, देखिए कैसल। ऐसी कुछ अट्रैक्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है। खाने पीने को भी अभी 9 से 6 बजे तक, और कैसल बंद हो जाता है 6 बजे, 5:30-6 बजे कैसल बंद हो जाता है। यहाँ से एंट्री है जी अंदर मेन कैसल की है। कैसल के अंदर जाने के लिए कितनी भीड़ लगी हुई है, ये सारी टिकट वालों की भीड़ है, और पास वालों को नंबर 2 से एंट्री है। थैंक यू। ये कितनी भीड़ लगी हुई है। नो नीड। तो यहाँ पे पास दिखाओ अपना, टैप करो और जाओ। थैंक यू। अरे पानी फाड़ ला यार, ये देख लो पानी लगाया है। मिस्ट मिस्ट है, खाली गर्मियों के लिए है, सर्दियों में नहीं होगी। सो यू विल नॉट फील हॉट, सो यू नॉट हॉट। तो पास ले लेना भाई, अगर कैसल में भी आना है VIP एंट्री मिलेगी आपको, नहीं तो लाइनों में लगना पड़ेगा कि 2-2 घंटे के लिए। जो 3rd फ्लोर है ना, वहाँ पे आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, बाकी का आप कर सकते। एलिवेटर भी है, लेफ्ट रो फॉर एलिवेटर, राइट रो फॉर स्टेयर्स। एलिवेटर में चलोगे
तो ये थी राजा महाराजाओं की फौज। तो ऐसे थे वॉरियर, जापानीज वॉरियर ऐसे थे। शुरू से जापान का झंडा ऐसा नहीं था, पहले ऐसे भी थे झंडे, ठीक है, कुछ ऐसे भी थे। तो ऐसे वार होती थी, ये इधर से आ रहे हैं, ये लोग इधर से आ रहे हैं, ठीक है, कुछ इधर से आ रहे हैं, ऐसे फाइट होती थी इनकी, इनके झंडे लाल रंग के पूरे। कोई ऐसा म्यूजियम बनाया हुआ है। यहाँ पे लिखा हो ना ओके, कैमरा ओके, वहीं पे कैमरा आप यूज़ कर सकते हो, ध्यान रखना इस बात का। तो ऐसे लड़ाइयाँ होती हैं। ये कैसल था, और कैसल के बाद जो ग्राउंड देखी ना आपने, जो ये शहर बना हुआ है, वे सारा यहाँ पे लड़ाई झगड़े जंगे होती हैं यहाँ पे। सभी की एज काफी लंबी थी इनकी, 70-80 साल से कम तो कोई जिया ही नहीं है यहाँ पे। जो भी इन्फॉर्मेशन है ना यार, सारी जापानीज में बता रहे हैं, इसके कारण कुछ समझ नहीं लग रहा, बाकी देखने में अच्छा है। वैसा कुछ है कैसल अंदर से, उस समय भी इनका आर्किटेक्चर अच्छा था। ये थोड़ा ऑरेंज कलर का कलर ना वो यूज करते थे अपने कैसल्स में, अपने मंदिर में। तो हम आगे कैसल के ऊपर, यहाँ से कुछ व्यू ऐसा है, ये है जी कैसल से व्यू सिटी का। Thank you.
एरिया जी, मेन फ्रंट, ये फ्रंट एरिया है। और वहाँ पे बैठा था अंकल, कबूतरों को खाना खिला रहा था नीचे। बहुत बड़े एरिया में है ये, कैसल का एरिया बहुत बड़ा है। वहाँ तक है देखो, अच्छी बात ये इन्होंने है ना एरिया कमर्शियल के यूज़ नहीं किया, जैसे गार्डन है वैसे ही एज इट है जैसे पहले था। ये जो साकन है तीन तरफ से तो है, पहाड़ों से गिरा हुआ, एक तरफ से समुंदर से, और एरिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा शहर है साकन, काफ़ी बड़ा है। वो वहाँ पे कुछ सर्कस लगी हुई है लगता है, झूले वूले लगे। तो ये था जी कैसल, हम आ गए कैसल के 5वें फ्लोर से, और 4थे फ्लोर और 3रे फ्लोर पे आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, इसलिए मैं कैमरा बंद कर दूंगा। ये था जी कैसल का टूर, कुछ ऐसा है कैसल आप देख सकते हैं। तो ये टूर यहाँ पे ख़त्म होता है, अभी हम जाएंगे क्योतो को, अपना सामान उठाएं से एयरपोर्ट से। ये है जी बाहर से व्यू, तो ऐसा कुछ लगता है ये अपना कैसल, तो ऐसा है कुछ ओसाका का कैसल बाहर से। जब आप आओ ना तो पास लेके आना, तो नंबर 2 से आपको एंट्री मिलेगी, ये पास वाले हैं सारे। अगर पास नहीं है टिकट लोगे तो यहाँ से एंट्री है, और लाइनों में खड़े होना पड़ा है धूप में गर्मी में, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सारे पास चलते हैं यहाँ पे। आ सरदार जी जा रहे हैं दिल्ली, तो मैंने मिले हुए नाल जो भाई साहब आ, ये है जी महाराष्ट्र औरंगाबाद तो। कैसल घूम लिया जी, हम जा रहे हैं अभी इंडियन रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। मैडम बोलती है इंडियन ही खाना है और कुछ नहीं खाना। वो देखो मोटरसाइकिल खड़ा है वहाँ पे, दिखाता हूँ तुम्हें मोटरसाइकिल खड़ा है, ऐसे पार्किंग लोग करूँगी। लक्सस तो भर भर के यहाँ पे, लक्सस लक्सस, और ये वाला मॉडल RX 500 कुछ है। इंडिया में ये अल्टो थोड़ी नहीं है, ये ईवी है, इंडिया में इसका नाम कुछ और है। और एडी भी लॉरेंट, ये है मेरे पास फिलीपींस में ADB, ये मेरे पास है ADB होंडा का है। ये घर देखो काफ़ी पुराना है बना हुआ, और आजू बाजू बिल्डिंग खाली घर बना हुआ। अरे अंकल जी बाइक चलाते हुए, ये कार कौन सी है, इलेक्ट्रिक है मेरे ख्याल में, देखी नहीं यार पहले, लैंड क्रूज़र। और डिफेंडर गाड़ियां तो बहुत हैं बड़ी बड़ी यहाँ पर लोगों के पास। ये वाले बाइक की बात कर रहा था मैं,
ये जो बाइक है ना इलेक्ट्रिक असिस्ट है, ये मोटर लगी हुई, इसकी बैटरी लगी हुई, इसमें बच्चा बैठाने के लिए, और आगे भी बच्चा बैठता है। ये सभी के पास है यहाँ पे ऑलमोस्ट। ऐसे स्कूटर इंडिया में आने चाहिए जहाँ पे डिलीवरी कर सके। देखो, और हम आ गए इंडियन रेस्टोरेंट के पास। इंडियन रेस्टोरेंट की खासियत जहाँ पे ये है कि यहाँ पे हर इंडियन रेस्टोरेंट के बाहर झंडा लगा हुआ है इंडिया का। ये बिल्डिंग देखो, छोटे वाली बिल्डिंग है काले रंग की, वो कितनी लंबी है, कितनी ऊंची है देखो। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्योतो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।